वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सुबह सुबह हम आपको अगर आपकी अच्छी सेहत के हवाले से टिप्स ना दें तो हमारा दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। और जो अच्छी जिंदगी है या हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके लिए योगा बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम आपके लिए योगा की कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। हमारे साथ हमारी योगा एक्सपर्ट है सलाफे नकवी, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सलाफे, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, आज हम सेलुलाइट के हवाले से बात करेंगे। जो आपकी स्किन थोड़ी ढलक जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सैगिंग हो जाती है, उस पर सलाफे आज हमें कुछ आसन बताने वाली है। सलाफे सेलुलाइट के हवाले से थोड़ी सी बात करें, बेसिकली क्या है, क्यों होता है, वजूहात ये होता है कि हमारा जो असल में बेसिकली सेलुलाइट, इसको कहते हैं कि हमारे स्किन के नीचे ना फैट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें से एज फैक्टर तो बहुत मेन है। अच्छा, कुछ मिथ्स भी हैं इसको लेकर, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी सॉल्ट इनटेक कम कर दें तो ये कम हो सकता है। अगर आप अपनी डाइट, आपकी बैड डाइट है तो उससे भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक सबसे अजीब बात जो मैं लोगों को बताती हूँ, हैरान होते हैं, पतले लोगों में भी सेलुलाइट होता है। तो 80 to 90% जो वुमेन है वो करती हैं इस चीज़ को। किसी को लगता है ना पतले हैं, देखें कितने नहीं, पतले लोगों में ज्यादा होता है, हमें भी फैट उनमें होता है। तो 80 to 90% तो वुमेन इनमें ये चीज है। इसमें मैं सबसे पहले एक चीज कह देती हूँ कि इनसिक्योर नहीं होना इस चीज को लेकर। जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल है। आप इसको एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर वही बात है, फैट स्टोरेज और क्या है। अच्छा, बैठे बैठे क्या कैसे? बैठे बैठे अगर आप करें तो सबसे पहले ज्यादा जो होता है इस एरिया पर होता है, या खवातीन के मोटे होते हैं उनको लगता है फैट ज्यादा है तो वो इस तरह के करें। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं कॉल्स का भी बता दूँ। आप कॉल्स हम ले रहे हैं, आप अगर सलाफे से अपने किसी भी बॉडी एरिया जहां आपको लग रहा है कि फैट ज्यादा है उसकी कमी के लिए जो भी आसन जानना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। जी ऑलराइट। सो बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, हाथ को आपने इस तरह आपने स्टिफ किया, बिल्कुल स्टिफ करना, ढीला नहीं छोड़ना। स्टिफ करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पर रोटेट करते जाना। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोटेट आप करते गए अपने हाथों को तकरीबन 10 times एक साइड पे और 10 times एक साइड पे। थोड़ा सा इसको करने से पहले आप अपनी जरा लाइट लाइट सी रोटेशन करेंगे, जरा एक दफा थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। अदरवाइज कई दफा होता है कि आपको क्रैम्प ज्यादा पड़ते, तो अगेन जब क्रैम्प्स पड़ते तो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज मुश्किल है, जो कि बिल्कुल नहीं होती। एक कॉमन इसकी स्ट्रेच होती है बाजू की, जो हम करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में। नेक को थोड़ा सा सीधा रखेंगे, बिल्कुल आगे नहीं लेके आएंगे, आपने सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेच। इसमें क्या होगा, 30 सेकंड तक आप इस चीज में रहेंगे। याद रहे, किसी भी आसन को आप जब इफेक्टिव ज्यादा बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको उसको 30 सेकंड देने चाहिए। ये चीज की आपने इसकी स्ट्रेच किया, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक तो बाजू में हमने इसकी रोटेशन बताई, एक चीज होती है बगैर इक्विपमेंट के आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ हाथ रख लो या यहाँ रख लो, जैसे आसान रहे, लेकिन इसको हम टाइट इस एरिया को स्टिफ रखेंगे। स्टिफ रखने के साथ ही आपने इसको समझे कि आपके बाजुओं पर वेट है कोई, तो कोशिश किया कि अपनी जो आपकी एल्बो है वो पैरेलल आ जाए। उसके बाद ये आपने क्या किया, 30 times एक साथ, क्योंकि सेलुलाइट अगर है तो थोड़ा सा आपको रेपिटेशंस बढ़ानी पड़ेंगी, उसमें ज़रा थोड़ा सा आगे जाना होता है। ये चीज़ आपने कर ली। उसके बाद होता है कि ज़्यादातर एब्डोमिनल जो आपका रीजन होता है वो भी आपको फील होगा, और लड़कियां वैसे भी कहती हैं कि हमें ये चीज़ जो है ज़रा ज़्यादा स्टिफ चाहिए, वो अजीब सी लगती है एकदम। तो आपको ये करना है कि आप बैठे अपने जिस भी एज पर हो, सोफा पर हो, टीवी देख रहे हैं, अब यहाँ आपने हाथ रखा, कोशिश करें जिसे हम कई दफा क्रंच कहते हैं या सिटअप होता है, लेकिन इट्स वेरी इजी करना। आपको सिर्फ और सिर्फ यह है कि इस चीज को आप स्क्वीज रखेंगे, यानी कि आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं लेकिन इसको स्क्वीज रखेंगे। ठीक हो गया, तो आपने इनहेल और एक्सहेल। बहुत इंटेंस एक्सरसाइज डेफिनेटली आप खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स खवातीन को प्रॉब्लम होती है बहुत सारी इंटेंस वर्कआउट में, चाहे वो जिम की शक्ल में हो, योगा की हो, तो आपको बहुत अपने बॉडी के कम्फर्ट जोन में रहकर एक्सरसाइज या योगा करना है। ये ना हो बाद में आपको खुदा ना खास्ता कोई मसल पुल हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो नहीं। ये होता है कि इंड्योरेंस जब बढ़ानी होती है, यानी कि बर्दाश्त आपको जो बढ़ानी है, तो सिर्फ ये है कि जहां आपको पेन शुरू हो सिर्फ कुछ सेकंड्स उससे आगे जाना होता है, बस ये एक तरीका होता है। ठीक है, बाकी मुझे कॉल ले लिया, फायजा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम साम, मेरा नाम फायजा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि लोअर बेली फैट हम कैसे कम कर सकते हैं। क्या सवाल कर लिया फायजा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी सलाफे, बहुत सारी खवातीन यही कॉल करके पूछने वाली हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं यही बैठे बैठे बताने वाली थी। एक चीज हम रिपीट करना चाहेंगे कि बड़ा आसान है कि आप टीवी देख रहे हो, मैं हमेशा ही कहती हूँ आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं। बाय द वे मुझे एक साल हो गया आप लोगों के साथ, 27 February को मैंने पहला शो किया था यहाँ पे, तो हमें मुझे तो एक साल हो गया। आप लोगों की क्वालिटी मुझे टॉलरेट इतनी किया। So, आपने यहाँ क्या किया कि या ऑपोजिट लेग उठाओगे या सेम लेग उठाने के बाद आपने ये किया, आप
ट्विस्ट कर जाओगे। इससे क्या हो रहा है, एक तो लव हैंडल आपके टारगेट होंगे और जो लोअर टमी की जिसकी ये बात करी है वो टारगेट होने शुरू होगा। करोगे क्या, आपने एक लेग उठाई ट्विस्ट, उसके बाद इसको नीचे, या एक दफा ये करने के बाद जैसे ही आपने अपनी लेग वापस रखी ट्विस्ट। इसमें ट्विस्ट से एक तो आपकी जो बैक है वो सही स्टिफ जो हुई होती है कुछ लोगों की वो सही रहेगी, लव हैंडल्स ठीक होंगे, और अगर आप चाहते हो कि लोअर टमी को जरा हम थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज करें, जहां भी बैठे हुए हो जहां बैठे हो कोशिश करें, सिर्फ ये कर सकते हो एक जगह पर बैठकर, इसको नी टक्स कहते हैं। तो ये बड़ा आसान है, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे कर रही है ना इसी पोस्चर में सारे शुरू हो जाए टेबल है आप जैसे स्ट्रेट पोजिशन में बताया था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आगे मैंने पॉइंट कर दिया क्योंकि मैं ऐसे खुद हरकतें करती हूँ। ये है कि वैसे जब आप बैठेंगे तो आपको सीधा करना है। अच्छा, ये एक लेग से भी आप कर सकते हो कि इस लेग को स्ट्रेट रखने के बाद आप इससे कर सकते हो, लेकिन जरा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आपने नी टक्स किए, ये आप एक जगह बैठकर इस चीज को कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो देखिए अपर एरिया भी और लोअर भी दोनों टारगेट होगा। और अक्सर लोगों को खवातीन जो बहुत सारी पतली होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन जब बेली फैट होता है तो वो अच्छा खासा होता है, और ये सब मुझे भी किसी दौर में प्रॉब्लम रहा है, मैंने कुछ वो करनी शुरू की एक्सरसाइज, तो उससे मुझे थोड़ा बेटर ये सब एक्सपीरियंस। कुछ चीजें अभी अब हम अपनी रवायती जगह पर जाकर रवायती जगह पर, और दूसरा एक चीज ये भी बता देते हैं साथ साथ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करती, फ्लक्चुएशन चीजों की चलती रहती है। जैसा मुझे लगता है इस चीज को टोन करना है, इसको तो इनसिक्योर कभी भी नहीं होना, कोई फिटनेस एक्सपर्ट हो कुछ भी, नो बडी इज परफेक्ट। और मेरे ख्याल से जो फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो कोई साल दो साल करते हैं, अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि छह दिनों में आप कटरीना बन जाएंगे, जितनी देर में फैट है उतनी देर में जाएगा हो जाएंगे, कुछ ऐसा मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंसिस्टेंट रहना होता है। और बहुत सारी दफा पे जो लोग योगा या जिम कर रहे होते हैं वो क्या नाम है उसका, इतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, और जब कंसिस्टेंसी आपकी खत्म हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम, तो वो फिर प्रॉब्लम होगा। और अगर मैं भी ना करूँ तो मुझे भी पता होता है फिर काफी देर बाद क्या हालत होती है मेरी। अच्छा, इसमें सिर्फ योगा के जो हम लंजेस बताते हैं, लंजेस में योगा के या तो आप वॉकिंग लंजेस करेंगे या एक जगह खड़े होकर आप सिर्फ ये अगर मूवमेंट अपनी रख रहे हो दैट्स गुड, बट कोशिश करें कि जगह अगर आपके पास इतनी भी है तो आप सिर्फ समझो कि आप वॉक कर रहे हो और यहाँ झुक रहे हो, वॉक किया जस्ट लाइक ए टी बैग। ये सेम इसी तरह आप इसी तरह वापस भी जा सकते हो, लेकिन ये बैलेंस की गेम होगी, ठीक है, इसमें आके प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आराम आराम से एक स्टेप वापस आए और आकर उसके बाद अपने यहाँ पर इसको मूव किया। स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्क्वाट्स में क्या करना होता है, स्क्वाट में आप चेंजिंग क्या लाओगे, क्योंकि लोअर एरिया में सेल्यूलाइट कई दफ़ा वुमेन की हम बात करें, जरा मेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है टिश्यूज़ का, इस वजह से उनको सेलेक्ट इतना नहीं होता, होता जरूर है, लेकिन हम क्या करेंगे अगर हम लोअर एरिया टारगेट करते हैं, हमने स्क्वाट किया जैसे ही उठे तो साइड पर हमने अपनी लेग लेकर जा रही है, ये साइड किक समझ लें या कुछ भी, या आपने सिर्फ सेलेक्ट जो आपके लोअर एरिया में होगा, ठीक है, उस चीज को करेंगे। उसके बाद आपको बैक किक आती है नहीं आती, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इसको बैक सिर्फ किक करनी जहां आपको लगे कि ये जो जगह है आपकी इस पर स्ट्रेस आता है, सिर्फ ये करना है, आपने स्ट्रेस लाना है, क्यों, इस एरिया में ही ज्यादा सेल्यूलाइट कई दफा आना शुरू हो जाता है। और आसान एक चीज होती है कि आपने क्या किया, आप इस तरह इस पोजीशन में आए, उसके बाद यहाँ कितनी देर होल्ड के बाद, होल्ड भी बहुत जरूरी है, होल्ड अगर किया एक साइड यहाँ और एक इनवर्ड, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बिगिनिंग में ये होगा कि ये और ऐसे, आपने शुरू में क्या करना है, आपने कोशिश किया कि यहाँ आपकी लेग जो है वो कोशिश करें कि आप रखें, उसके बाद थोड़ा हायर हायर ले जाते हुए कोशिश करो कि इन एंड आउट, राइट, उसके बाद इन एंड आउट क्या होगा, वन टू, आपने 30 जो काउंट करना है और 30 तक आपने सेम इस तरह रहना है। उसके बाद आता है जो मैं खुद अपना फेवरेट कहती हूँ, और जब भी हम ये कर रहे होते हैं तो कहते हैं इट्स काइंड ऑफ हिलेरियस थिंग, डोंकी किक। ओके, नॉट, मैं कुछ और कहने वाली थी वो मुझे मूवी का नाम याद आ गया था। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपने समझना कि अपनी रूफ को असल में किक कर रहे हो, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिगिनर के लिए। अच्छा, बिगिनर जो है, बता रही हो इतना मुश्किल है, बताओ भाई। अच्छा, बिगिनर्स बेचारे क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम जैसे मासूम मासूम लोग जिन्होंने कभी मासूम लोगों के लिए देख ले, मासूम लोग क्या कोशिश करेंगे, मासूम लोग सिर्फ यहाँ रहेंगे, यहाँ पर जितना आपसे किक होता है, ठीक है, वो उसके बाद जाके ये लेवल आएगा,
ठीक है, जहाँ आर्च बनानी है, आपने आर्च बनानी है असल में, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँ, ये काफी है। क्यों? असल में टारगेट करना है आपने हर उस एरिया को, वहाँ पर स्ट्रेस आना चाहिए, फैट स्टोर हुआ है, लेकिन स्ट्रेस आने के चक्कर में बहुत सारे लोग मसल भी पुल करा लेते हैं। अच्छा, मसल पुल आपको उसमें क्या करना होगा, सबसे आसान मैं एक चीज बताती हूँ, सेल्यूलाइट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी करना, उसमें ट्विस्ट बहुत काम आता है। आपने क्या किया, ऐसे बैठो या ऐसे बैठो, आपने ट्विस्ट करना अपनी बॉडी को, चाहे आपकी लेग यहाँ भी नहीं जा रही तो यहाँ आ जाओ सीधा। अब ये बड़ा आसान है, आपने क्या किया, ट्विस्ट, ये कहीं ना कहीं क्या, आप मैं बताऊंगी आपकी फुल बॉडी के लिए क्यों काम करेगा, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। दूसरा, आपकी बैक अगर ट्विस्ट में आती है तो इससे क्या होता है, एंटी एजिंग जो हम बात कर रहे होते हैं, तो बैक जिसकी सीधी रहती है वो बंदा यंग रहता है। जब आप यंग रहने का सिस्टम आपका चल रहा होता है तो उसमें आपका जो सेल्यूलाइट का मसला, एज फैक्टर की वजह से वो हल होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेल्यूलाइट की बात करेंगे, सिर्फ हमने बाजू की बात की, हमने लोअर एरिया की बात की, जरा यहाँ की फैट की भी बात करें। मुझे वही ध्यान, यहाँ पे फैट भी आता है, मुझे ख्याल आ रहा था इस चीज का। अच्छा, मैंने आपको याद करा दिया, ये जो यहाँ का फैट है ना, जो आसान बता दिया मैंने, अगर फिर बैठ के बताई तो फिर वही क्वेश्चन आएगा कि बिगिनर के लिए क्या होगा आसान। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ अपना हाथ पहले यहाँ किया, ब्रीद इन, कोशिश करो, अब अगर आपका हाथ यहाँ आप लॉक कर लेते हो, लॉक होता है, ठीक है, अब सिर्फ करना ही है, ओके, थोड़ा स्ट्रेस आना चाहिए। एंड रिमेम्बर, सेल्फी वाला फेस बड़ा जरूरी है, चाहे आप फिश पाउट करें ये वाला, और चाहे, लेकिन ये आपको ऊपर जाकर यहाँ यहाँ करना होगा ये चीज, या चाहो तो एक चीज होती है जो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, आसान होता है कि आपने बिल्कुल पिस्टल हैंड्स बनाने के बाद यहाँ हाथ रखा, अब आपको पता होगा कि आपकी जो एंड है कहाँ तक, आपकी लिमिट, ठीक है, आपने उससे उठाना है इसको। ट्राई करें कि अगर आप कॉलर बोन यहाँ पर अपने थंब अगर रख लेते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को जो है चार्ज करेगा, एक्टिव करेगा, और तो साथ ही अपने हाथ, इट रियली वर्क्स, ये wow. जो मैं आपको बता रही हूँ, इट रियली वर्क्स। अब यहाँ आपने हाथ रखा, साथ साथ इम्यून सिस्टम भी आपका एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर आपकी डबल चिन भी टारगेट हो रही है। ये आपने क्या किया, 10 seconds होल्ड करने के बाद, ये बिगनिंग में होगा, वैसे आप 30 seconds तक अपना जो माशाल्लाह चेहरा मुबारक है वो, मैं बताऊँ वैसे बिगनिंग में भी 30 seconds हो जाता है, होना चाहिए 30 सेकंड, इतनी देर तो सेल्फियां लेते रहते हैं तो मुंह नहीं हमारा वैसा, नहीं असल में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वेट लाइक नहीं मुझे दर्द हो रहा है असल में, अभी ये बहुत अकड़ी ना जाए ना, नहीं करना अब मैं काउंट करके 30, ठीक है। अब ये होगा कि नेक्स्ट जो हम बताने वाले हैं वो फुल बॉडी वर्कआउट है, इसमें क्या करेंगे हम, जो बोर्ड पोज करते थे लेकिन विद वेरिएशन, करना क्या है कि आपने सिर्फ कोशिश, अच्छा बिगिनर्स के लिए यहाँ रहेंगे हाथ, ठीक है, अब आपने सिर्फ यहाँ हाथ रखने, ठीक हो गया, बिगिनर ये करेंगे, और यहाँ पर आप इसको यू जस्ट ट्राई टू फ्लाई, वैसे फ्लाई यहाँ होता है लेकिन फिर भी आपने इस तरह करना है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं, हाँ खुद को गर्ड, खुद को चैलेंज करना है अगर, तो चैलेंज करने के लिए क्या होगा कि आप अपनी लेग्स रेज कर लेंगे, रेज करने के बाद यहाँ पर आप इस चीज को करेंगे, हो क्या रहा है, पूरी बॉडी यहाँ पर आपकी जो है फैट उसका टारगेट होगा, इवन आपका एब्डोमिनल रीजन, आपके जो आर्म्स हैं वो जो आपको महसूस होता है बड़ा लटके हुए हैं, और एक चीज जो उसको थोड़ा सा चैलेंज बनाएगी जो हम सेल्यूलाइट की बात कर रहे हैं आर्म्स के लिए, उसमें ये होगा आपने अपने हाथ यहाँ रखे, फिर वही बात जितनी एक्सरसाइज है उसमें आप अपने हाथ बिल्कुल ढीले नहीं छोड़ेंगे कि यहाँ पर रखे रखने थोड़े हाथ आप स्टिफ जहाँ एंड है, ठीक है, इस तरह किया, लेकिन जो जॉइंट पेन जिनको है थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं उनके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज है कि थोड़ा सा आसान कर ले, लेकिन जो हमारे जैसे उनके लिए कोई आसानी नहीं। यहाँ पे आपने ऐसे किया, इस तरफ लेकर आएंगे एंड यहाँ पर वापस, किस लिए बता रही हैं आप, ये भी सेल्यूलाइट के लिए। अब जब आप इसको कर रहे होगे ना 30 times इसको मुसलसल करना, उससे पहले छोड़ना नहीं। अच्छा सलाफे, बाजू का ये जो है ना, बहुत सारी खवातीन को ये प्रॉब्लम रहता है, सारा पता हो जाती है, भी मुझे भी अपने बाजू मोटे लगते हैं, लगता है कि हो गए। अच्छा क्या होते हैं असल में, होते हैं तो अच्छा तो है वो होगा, इसमें सिर्फ आपने 30 seconds या 30 seconds से बियॉन्ड आपको जाना होगा, करना क्या है, यहाँ हाथ रखा और कोशिश करो ये, ठीक है, ये मूवमेंट होगी, आप ये करोगे, आप देखना 30 seconds के बाद यहाँ पर आपको बर्निंग होना शुरू हो जाएगी, वहां वो फैट बर्न होना शुरू होता है। तो इंड्योरेंस वही है कि 30 seconds जहाँ आपको लग रहा है कि अब मेरे बाजू मेरे साथ ही नहीं है, आपने करना शुरू किया उसके बाद साथ ही साथ उसको 30 seconds के बाद रुकना नहीं है। इसमें ये होता है जितना भी बाजू का आपने फैट टारगेट करना है ना, आप रुकोगे नहीं, चलते जाओगे। ये सिर्फ 2 exercises पकड़ लें, जिसको मैं मजाक से कहती हूँ शीशा साफ कर लें या बैट हैंड समझ लें, आपने सिर्फ इसको ऐसे किया और फिर फौरन उस चीज पर आ गए, रिलैक्स किया थोड़ा सा फिर से, और फिर सेम वही चीज करने लग गए।
तकरीबन दो मिनट तक अगर आप इस चीज को करते हो आपको सही बर्निंग महसूस होगी और तकरीबन विद इन वन वीक आप इसका ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने आर्म्स में जिनको टोन भी करने और जिनको सेलुलाइट से जान छुड़ानी है। और हमेशा हर एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग नहीं भूलनी, चाहे वो आप बाजुओं की बिल्कुल कॉमन स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये चीज है, क्योंकि एक तो क्रैम्प्स के लिए जब आपके मसल स्टिफ हो चुके होते हैं उनके लिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग आपके क्या आप एजिंग प्रोसेस स्लो हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्रैम्प्स कम पड़े उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को जरा ध्यान रखना। और इस दौरान आप फैट वगैरह जा रहा है कुछ भी कर रहे हो पानी बहुत पियेंगे उससे क्रैम्प्स भी कम होंगे। और कोशिश करें तो गर्मियों से आगे लेकिन नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, वो भी फैट को खत्म करता है। ठंडा पानी जो है वो आपके जाके जॉइंट्स में भी बैठेगा। तो ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं। और ठंडा पानी कम पिए ये मैंने खुद भी चले सराफा ने बड़ी अच्छी बात याद करी। आजकल हमारे घर में एक प्रैक्टिस चल रही है, वो प्रैक्टिस ये है कि हम सब नीम गर्म पानी पी रहे हैं बहुत और जिससे जो जो मसाइल है उसके कम हो रहे हैं। और ये हमने सबको लगा दिया इस काम पे, जिनको ठंडे पानी की भी क्रेविंग हो रही होती है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। और स्किन का इश्यू जिनका होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा। स्किन की बात हो रही है तो साथ ही सेलुलाइट की बात भी हो जाए और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेचिंग की हम बात करें तो स्किन जितने भी आसन है जो आप फेस नीचे करते हैं या प्रेशर आता है फेस पे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया सेम यही चीज की और यहाँ। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपने क्या करना है यहाँ हाथ रखा, यहाँ हाथ रखने के बाद कोशिश करें इधर। अब यहाँ पर फेस को मूव करो सामने ऐसे, ठीक है बिल्कुल ये चीज। तो आप खुद देखोगे कि अच्छा ये डबल चिन को भी टारगेट करेगा, ये गुड न्यूज है। तो आपने ये किया कि यहाँ पर आपको तो एक स्पाइनल ट्विस्ट भी आ रहा है साथ ही साथ आपके जो स्किन के इश्यूज और नीम गर्म पानी आपके वैसे भी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वैसे वो भी ये बात बिल्कुल ठीक है। सुबह सुबह अगर आप नहार मुंह कुछ नीम गर्म पानी का एक मग या ग्लास पी लें तो आपकी स्किन भी उससे बेहतर होना शुरू हो जाती है। और अब चूंकि ऐसा मौसम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्यास लग भी रही होती है, पानी भी पीते हैं लेकिन स्टिल आपको होता है प्रॉब्लम ऐसा, तो हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत अच्छा सीजन है। आप पानी ज्यादा पिए उससे स्किन वैसे ही स्किन के बहुत सारे मसाइल कम हो जाते हैं पानी से। मैंने बहुत सारे खवातीन को देखा जिनकी स्किन बहुत ग्लो भी करी होती है और उनका सबसे बड़ा राज ही होता है कि वो ये। और जिन लोगों को कई दफा होता है हम कहते हैं कि हम हाथ नहीं रोक सकते खाने से ना, तो सिंपल सिर्फ टिप है कि आपने दो ग्लास पानी पीना लेकिन फौरन पहले नहीं खाना, आराम आराम से आराम से अपने पानी पिए लेकिन दो ग्लास पियेंगे तो सर की भूख भी कम हो जाएगी, उससे भूख भी कम हो जाएगी, भूख रख के खाएंगे। उसके बाद आपको होगा कि अच्छा जितना भी सामने पड़ा तो मैं थोड़ा बहुत बस इसमें से खा लूं। और एक जो मैंने बहुत पहले एक चीज बताई थी ये मंतक की बात है, लॉजिक की बात है। फिटनेस चाहिए तो स्टमक को इस तरह डिवाइड करना होगा तीन हिस्सों में, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा आपका जो एम्प्टी होगा। अब स्टमक तो होता है आपके पाम जितना है, तो उस हिसाब से देख लो कि उसको फिर कितना खाना है आपको, इसलिए हम कहते हैं पोर्शंस में खाएं। जब आप पोर्शंस में खाते हो और 30 मिनट्स एक्सरसाइज किसी भी किस्म की, यानी कि मैं अगर योगा बता रही हूँ तो कह रही सिर्फ योगा, कोई भी एक्सरसाइज 30 मिनट आपने अपने आप को दे लेने। अब तो गर्मी आ रही है आपके पास एज है, आपने वो एक्सरसाइज की, वार्म अप किया, वार्म डाउन किया और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 5 दिन। उसमें आप ब्रेक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन आपको लगा बहुत क्रैम्स है, वो चीज करना शुरू कर दी, वो हो गया। रोटेशन बॉडी की मैं हमेशा जो बताती हूँ, चाहे वो ये चीज हो, इस चीज की रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको स्ट्रेंथनिंग देती है। इसीलिए चाहे बाजू की आप रोटेशन कर रहे हो, चाहे आप लेग्स को इस तरह मूव कर रहे हो, ये जॉइंट के जिनको जॉइंट का इश्यू होता है उनके लिए बहुत। अब वो कहेंगे जाहिर है कि मैं सेल्यूलाइट अगर है तो उसको मैं कैसे कम करूं, वो रोटेशन से शुरू करेंगे। चाहे अगर वो लेट कर इस चीज को कर रहे हैं, बैठ कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये करना है मूव करना शुरू करना है सर्कुलर मोशन में, तो इसमें आपका जो सिस्टम है वो सही से वर्क करना शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी सलाफ है, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहिए? आज के टॉपिक के हवाले से मैसेज यही होगा कि कुछ भी बॉडी के साथ हो, एक नेचुरल इट्स योर लाइफ, आपका डिसीजन है, करना है एक्सरसाइज करनी है कंसिस्टेंसी से करनी है, मगर इनसिक्योर नहीं होना। अगर कोई चीज असर कर रही है आपको लग रहा है तो से कैंसिल 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 3 times मेंटली, दैट्स इट। अच्छा सलाफे, जो फैट्स हैं इनकी रिडक्शन में जैसे हम सेलुलाइट की बात करें, मैक्सिमम कितने दिनों का योगा या आप कोई रफ सा एस्टिमेट बता सकती हैं? 30 एक तो हम मिनट्स भी बता देते हैं, 30 मिनट आपने शुरू किया और 5 days आप ये करोगे, 15 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ रिजल्ट नजर आना, कुछ ना कुछ काफी रिजल्ट आना शुरू होता है। अगर आप उसको सही वे में कर रहे होते हैं तो आपको 15 दिन में खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। आपने बस इंचेस अपने पहले से मेजर कर लेने हैं, उसके बाद आपको खुद आपके कपड़े बताने शुरू हो जाएंगे कि जब वो लूज होने शुरू होंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, कपड़ों से पता लगता है कि आप फैब्रिक देख लेना, ये ना वो वैसे लूज होने वाला कहीं मैंने इंचेस लूज कर लिए। बहुत दफा कपड़े आपको सही आपकी रियलिटी चेक, हाँ तो वो मेजर करना ना भूलें, उसको जरा चेक एंड बैलेंस रखें। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी जबरदस्त टिप्स बताने की। जनाब फैट आना, बेली फैट आना, बाजू पे फैट आना,
सैग होकर जाना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हम आपको कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स दे दें जो आप घर पर जिसको ट्राई कर सकते हैं। जनाब अभी हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल फीडबैक के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ हमारा फेसबुक पेज है, यू आर मोर देन वेलकम, कुछ भी कहना चाहें, कुछ भी इनपुट देना चाहें आप हमारे फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। और जनाब अगर आपने शो मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। मंडे है आज हमारी पार्टी शुरू, या पूरा हफ्ता आपका और हमारा साथ होगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।